हमारे यहाँ नियम है कि जब दुल्हा कोहवर में जाता है तो कुछ मांगता है। भगवान श्री राम को भी ले गई सखियां और राम जी से कहा कुछ मांगिए। राम जी ने कहा हमारे यहां मांगने की परंपरा नहीं है, हमारे यहां देने की परंपरा है। आजकल लोग बहुत मांगते हैं, कहते कार चाहिए कार। याद रखना, बहू घर में लाएगी कार तो चलाएगी अपनी सरकार। मेरे पिताजी ने कार दी। कार लेने वालों से एक बात मैं अवश्य कहूंगी, याद रखना जो बहू घर में लाओ वो बहू कार लेकर भले ना आए पर वो बहू संस्कार लेकर घर में आए। संस्कार लाएगी तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। कार वाली बहू ना मिले तो चिंता मत करना, पर संस्कार वाली बहू को जरूर घर में लाना। राम जी से भी कहा मांगो मांगो मांगो। राम जी ने कहा हमारे यहां मांगने की नहीं देने की परंपरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मांगते बार बार बर मांगे हरसी देव श्री रंग। देखो मांगना भी सीखना हो तो रामायण जी से सीखो क्या मांगना चाहिए। अपन धन मकान दुकान बेटा बेटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। रामायण मांगना भी सिखाती है क्या मांगे हम। बार बार बर मांगे हरस देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी और भक्ति सदा सत्संग। ये मांगा करे भगवान से, भक्ति दे दो आपके चरणों की धूली दे दो और हमें सत्संग दे दो। रामायण मांगना भी सिखाते। सखियां बोली मांगो मांगो भगवान नहीं मांगे। सखियां बोली सुनो ये दूल्हा को मांगने ही नहीं आता है। नेक मागमो का जाने ये लड़का नादान, ये इनको मांगना नहीं आता। नेक बरातियों ने सुना कि हमारे राम जी को नादान कहा जा रहा है। राम जी ने कहा तो क्या करें। बरातियों ने धीरे से कान में एक बात कही। बरातियों ने कहा बाबा सुनो प्रभु राम जी आप चारों भाइयों का जन्म एक साथ हो। जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केरी लरकाई। आप सबका जन्म एक साथ हुआ है, भोजन भजन सब खेला कूदी सब आपने एक साथ करी, सब कुछ बाल क्रीड़ा। एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, नामकरण संस्कार एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ, शिक्षा संस्कार जितने संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार सब एक साथ हुआ, पर आपका विवाह हुआ जाता तीन कुंवारे रह जाते। तो फिर क्या करें। बोली बार बार कह रही मांगो मांगो तो मांग लो। आप चार भाई हो और सीता जी चार
बहन है, मांग लो कि इनका विवाह कर दो, ये हमको दे दो। अच्छा 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 अच्छा, ये बात तुमने बढ़िया बताई। भगवान राम जी ने कहा, देखो भाई आप लोग बार बार कह रहे मांगो मांगो, तो मांगे दोगे? बोले हाँ। राम जी बोले, बिन ब्याहे जो बारात में आए, तो सबका ब्याह यही हो जाए। राम जी ने कहा, अगर देना है तो ये दो, जितने क्वारे बराती बारात में आए हैं, केवल अपने भाइयों का नहीं, सब बरातियों के नंबर लगा दिया। बिन ब्याहे जो बारात में आए, सबका ब्याह यही हो जाए, सबका ब्याह यही कर दो। सखियां त्रुत शर्मा करके घूंघट लंबा करके दौड़ी और भागी। अरे हम तो कह रहे थे ये तो नादान है। अरे लड़का सखी सयानो है, नैया नादान जैसिया राम। लड़का सखी सयानो है, नैया नादान जैसिया राम। राजा जनक के अंगना में मचले भगवान जैसिया राम। राजा जनक के अंगना में मचले भगवान जैसिया राम। बिन ब्याहे जो बारात में आए, बिन ब्याहे जो बारात में आए, और सबका ब्याह यही हो जाए, सबका ब्याह यही हो जाए। अरे लड़का सखी सयानो है, नैया नादा जय सिया राम। लड़का सखी सयानो है, नैया नादा जय सिया राम। नैया नादा जय सिया राम, नैया नादा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बिन ब्याहे जो बारात में आए, राम जी बोले जितने क्वारे बराती आए सबका ब्याह यही कर दो। अरे राम, ये तो विचित्र मांगा बराती ने। ये सामूहिक विवाह की जो परंपरा प्रारंभ हुई ना, यहीं से हुई। जनक जी ने कहा कि भाई क्या मांगा दूल्हा ने? माता सुनैना ने कहा कि दूल्हा मांग रहा है जितने कुंवारे बराती आए सबकी लिस्ट, सबका ब्याह यही हो जाए। अच्छा, अब भाई जो मांगा है सो देना तो पड़ेगा। तो फिर लिस्ट तैयार हुई, कितने कुंवारे बराती बारात में आए। और लिस्ट तैयार करने के बाद फिर किस जाति के हैं, किस गोत्र के हैं, सबकी छटनी हुई। और जितने क्वारी बराती आए थे तो नगर की हर घर में विवाह हो रहा है। जनक भवन के शोभा जैसी तो ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए, इसलिए ऐसा लिखा है। हर घर में मंडप बना है, हर घर में दुल्हा दुल्हन बैठे हैं। और कोई कुंवारी बराती कोई पागल थोड़ी थे, ये 6 महीने इसी में लग गए। कल इसका विवाह, परसों उसका विवाह, नरसों इसका विवाह, तरसों उसका विवाह, करते 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 पूरे कुंवारे बराती 6 महीना में निपट पाए भैया। जनक जी से कहा, महाराज ये कार्य आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। आपके घर में भी तो 3 बेटियां हैं, कुंवारी हैं, और राम जी के साथ भी 3 राजकुमार कुंवारे आए हैं।
जनक जी महाराज ने गुरुदेव का वशिष्ठ जी का आज्ञा पाकर के आदेश पालन करके तब जनक पाय वशिष्ठ आयसु व्याह साज सवार के तब तब जनक पा वशिष्ठ आयस ब्याह साज सवार के तब मांडवी श्रुति कीरीति उर्मिला कुवरी कार के श्रुति की रीति कुमारी ओ मांडवी श्रुति की रीति उर्मिला कुमारी जनक जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ का आदेश पाया, राजन जब दुल्हा ने मांगी लिया है कि कुंवारे बराती का विवाह यही हो जाए तो अपने घर से ही शुरू करो और वशिष्ठ जी के आज्ञा का पालन करके तब जनक पाय वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के। ब्याह साज माने दुल्हन बना कर किसको बुलाया, बेटियों को। सीता जी तो मंडप के नीचे बैठी हैं, अब किसको बुलाया, मांडवी श्रुति कीर्ति उर मिला लई हकार के। मांडवी जी को बुलाया, श्रुति कीर्ति जी को बुलाया और उर्मिला जी को। सीता जी सबसे बड़ी हैं, उनसे छोटी मांडवी जी हैं और मांडवी जी से छोटी उर्मिला जी हैं और सबसे छोटी श्रुति कीर्ति जी हैं। तो क्रम क्या होना था, मांडवी श्रुति कीर्ति उर मिला लई हकार के, ये क्रम रखा बाबा ने। और क्रम होना चाहिए था मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति कुवर लई हकार के, ये क्रम होना चाहिए था। सीता जी को बैठी हैं, मांडवी जी को बुलाते, फिर उर्मिला जी को बुलाते और अंत में श्रुति कीर्ति जी को बुलाते। पर बाबा ने लिख दिया मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, उर्मिला जी को अंत में कर दिया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया बहनों के नाम का क्रम, सीता जी और मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी। जरा भाइयों के नाम का क्रम देखिए,
जब अयोध्या में नामकरण संस्कार हुआ तो सबसे पहले नाम किसका रखा गया? श्री राम जी का। पहला नामकरण राम जी का हुआ। अच्छा जल्दी बताओ, राम जी से छोटे कौन है? भरत जी, उन्हीं का हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत असो। अब जल्दी बोलो, भरत जी से छोटे कौन है? अब नामकरण किसका होना चाहिए? हुआ क्या? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीसरे नंबर पर किसका? और चौथे नंबर पर लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यु लक्ष्मण नाम उदा। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। सबसे पहले नामकरण किसका हुआ, फिर राम जी के बाद, उनके बाद, और सबसे अंत में जो बहनियों के नाम का क्रम था, तुलसीदास जी ने वही क्रम बहनों के नाम का रखा। मांडवी श्रुति कीर्ति उर मिला लई हकार के। जैसे भाइयों में लक्ष्मण जी सबसे अंत में हैं, उसी प्रकार से बहनों में उर्मिला जी। लक्ष्मण जी का परिचय क्या है? लच्छन धाम राम प्रिय, इनका परिचय। ये कौन है? बोले राम के प्रिय है। अगर लक्ष्मण जी राम प्रिय हैं तो उर्मिला जी कौन है? उर्मिला जी का परिचय क्या दिया? जाने की लघु भगनी सकल सुन दर शिरोमणि जान के। अगर लक्ष्मण जी का परिचय राम जी से है तो उर्मिला जी का परिचय जानकी जी से है। अगर वो लच्छन धाम राम प्रिय है तो ये जानकी प्रिय है। ये कौन है? जान। ये परिचय नहीं दिया कि जनक प्रिय, जनक की छोटी बहन है, जनक की लघु कन्या है, ऐसा परिचय नहीं दिया। परिचय किसका दिया? जानकी लघु भगनी सकल। कौन है? सुंदर शिरोमणि जान के। उर्मिला जी विश्व की सारी सुंदरियों में शिरोमणि है। आजकल प्रतियोगिता होती ना, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सल, और हमारी उर्मिला जी कौन है? सुंदरियों में शिरोमणि। नहीं लगती यूनिवर्सल मिस यूनिवर्सल, ब्रह्मांड सुंदरी भी उनके आगे नहीं लगती। ब्रह्मांड सुंदरियों से भी अधिक सुंदर, सकल सुंदर, सकल सुंदर, जितनी इस जगत के अंदर सुंदरियां है ना, सकल सुंदर, जिनकी सकल अच्छी है, ऐसी सकल सुंदर, जिनकी सकल है, ऐसी सुंदरियों में श्री उर्मिला जी सकल सुंदर शिरोमणि। सारी सुंदरियों में शिरोमणि है उर्मिला जी, है शिरोमणि। तो मणि कहां रहती है?
जल्दी बोलो, सांप के पास। अगर उर्मिला जी मणि है तो लक्ष्मण जी फणी है ना? तो मणि कहां रहेगी? फणी के पास। सोता नहीं दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मान के। एक बात यहां समझ में नहीं आई, गोस्वामी जी लिखते हैं सो तनय, तनय तो पुत्र को कहा जाता है, है? सीता जी का परिचय दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ये कौन है? लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं ये पता है कौन है ये? तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई है राम, जनक तनया यह सोई ओ धनुष जग जहि कारण होई। धनुष जग जहि तात जहि होई। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया ये सोई धनुष जग जहि कारण होई। धनुष जग जहि कारण होई ओ धनुष जग जहि कारण होई। ओ तात जनक तनया यह सोई है राम, है राम। जानकी जी का परिचय, तात जनक तनया, तनया बेटी को कहा जाता है और तनय पुत्र को कहा जाता है। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तनय, तनय माने पुत्र, तनिया माने पुत्री, पर उर्मिला जी को तुलसीदास जी पुत्र नहीं, पुत्री नहीं कह रहे। सो तनय ऐसा क्यों लिखा? जानकी जी को तनिया, उर्मिला जी को तनय। तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्मिला जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं। उर्मिला बेटी नहीं है, बेटा है महाराज। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कहा था डॉक्टर राधानंद जी की बेटी वास्तव में बेटा है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो बेटों की तरह होती, और पिता भी सीना ठोक कर कहता महाराज ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा। ऐसी बेटियां, तुलसीदास जी कहते कि उर्मिला जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं है। इतना त्याग, तपस्या, क्या कहना, सर्वगुण संपन्ना है उर्मिला जी। संपूर्ण जीवन साधना में गया, बहुत अच्छी वीरांगना है, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकार हैं, बहुत अच्छी
चित्रकला की विशेषज्ञ है, बहुत अच्छी संगीतज्ञ है, क्या कहना उर्मिला जी, इनके समान वीरांगना नहीं है कोई। 14 वर्ष तक जो अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और जिनके सतीत्व में कितनी शक्ति थी कि 14 वर्ष तक वो दीपक भी जलता रहा जिस दीपक से आरती उतार कर पति को विदा करना था, माला के पुष्प भी नहीं मुरझाए, चंदन भी जस के तस सुगंधित रहा, क्या कहना, इतनी बड़ी वीरांगना थी। हनुमान जी महाराज ने जब आकर समाचार बताया कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, सब लोग चिंतित हो गए। पीछे खड़ी उर्मिला आगे आ गई और माता सुमित्रा से कहा, मां मुझे आदेश दो, मैं जाती हूं और दुष्ट रावण के 10 शीशों को काटकर अपनी दीदी के चरणों में समर्पित कर दूंगी, मुझे आदेश दो। सुमित्रा ने कहा, बेटी पीछे हट, पीछे, क्या कह रही है, चक्रवर्ती अवध नरेश की पुत्र वधू रणभूमि में युद्ध करने जाएगी। उर्मिला जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां ये परंपरा पुत्र वधू प्रारंभ नहीं कर रही है, ये परंपरा तो सासों ने ही शुरू की है। जब महाराज दशरथ के दिग्विजय युद्ध में रथ की धुरी टूटने पर केकई अपनी उंगली लगा करके उन्हें विजय प्रदान करा सकती हैं युद्ध भूमि में जाकर, तो क्या मैं युद्ध भूमि में जाकर के अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती, मुझे आदेश दे, मुझे आदेश दे। बड़ा प्रयास किया, अब चिंता मत करो, मम सौभाग्य अखंड है, सिंदूरी रंग लाल, ये मारे मांग की चमक है ना, स्त्री के सौभाग्यवती होने का प्रतीक है ये सिंदूर मांग का, माथे की बिंदी, पैर के बिछिया, गले का मंगलसूत्र, ये बताता है कि ये सौभाग्यवती है। मेरे सिर की सिंदूर की चमक देखो मां, और ये चमक बता रही है कि मेरा सौभाग्य अखंड है, आप चिंता मत करो। ऐसी वीरांगना जो युद्ध भूमि में युद्ध करने रावण से जा रही हो, उसको उस ऐसी वीरांगना को क्या बेटी कहना उचित है। सो तनय दीनी व्याहि लखनई सकल विधि सन, चारों भाइयों का विवाह हुआ और जितने कुंवारे बराती बरात में आए थे सबके विवाह हुए। इसलिए जनक भवन के घर घर दूल्हा सजे हैं, घर घर मंडप बने हैं, घर घर पाणी ग्रह संस्कार हो रहा है, इसलिए जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर। इसलिए 6 महीने बरात रुकी है, सबके पाणी ग्रह संस्कार होते हो, 4 दुल्हा दुल्हन मंडप के नीचे बैठे हैं। अरे महाराज, मिथिला वासियों के भाव को कौन कहे, जय जयकार करने लगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।